हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर आंगन पब्लिक स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट विद अवर ऑनलाइन क्लासेस एंड वी स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट इंग्लिश 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्ट विद अवर चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। ओके, हमने ये चैप्टर में क्या देखा था, एक छोटी सी फिश थी, उसके रिलेटेड ये स्टोरी में बताया गया था कि ये छोटी सी फिश क्या सोचती है कि मैं बहुत छोटी हूँ, इसलिए यहाँ पे मतलब ये वो अनहैप्पी रहती है वो सी के अंदर। ओके, और वो क्या सोचती थी, वो क्या बिलीव करती थी कि अगर मैं बड़ी होती तो मैं बहुत हैप्पी होती और अच्छे से सारी जगह स्विम कर सकती थी। ओके, तो वो ये बिलीव करती है कि मुझे बड़ा होना था, मतलब बड़ी फिश बननी थी, छोटी सी फिश नहीं रहनी थी। बट उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि जब एक टाइम किसी ने एकदम से नेट अंदर डालते हैं पानी के अंदर, तब वो सारी जो भी बड़ी फिश थी वो उसके अंदर फंस जाती है और ये जो छोटी सी फिश है वो एकदम से स्वाइप करके वहाँ से निकल जाती है नेट के अंदर से। ओके, तो उसको, वो छोटी थी उस बात की उसको क्या हुई, बेनिफिट मिले, इसलिए वो फिर लास्ट में अच्छे से खुश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा है, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं छोटी सी हूँ। ओके, ताकि मैं उसके अंदर फंस नहीं सकी, अगर मैं बड़ी होती तो मैं उसके अंदर फंस जाती। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज पार्ट, पेज नंबर 40 इन टेक्स्ट बुक। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे सारे फर्स्ट आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, आपको आंसर फिलअप करने हैं विद द करेक्ट मीनिंग। फर्स्ट वन है आपका लुक, तो लुक का क्या आ जाएगा, लुक सबके पीछे सिर्फ आपको ईडी लगाना है। ओके, देन नेक्स्ट इज पिक, तो पिक का आप लिखोगे पिक्ड, ईडी लगाना है लास्ट में। बाग, तो बाग्ड। वांट, तो वांटेड। ओके, सो ये 4 है वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं, सिर्फ लास्ट में ईडी लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको बॉक्सेस में आंसर्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे फिलअप करने हैं। आपके बॉक्स के पहले हम आंसर्स देखेंगे, पेपर, फ्लावर, बॉटल, वाटर, मैचेस, काउस, वुल्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ ग्लास ऑफ अ वाटर, सेकेंड अ बॉक्स ऑफ अ मैचेस, थर्ड अ शीट ऑफ पेपर, फोर्थ अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फिफ्थ अ हेड ऑफ काउस, लास्ट अ पैच ऑफ वुल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ वी वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मेक मोर सेंटेंस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। ओके, आपको ये सेम सेंटेंस लिखना है, सिर्फ ये जो लार्जर है उसकी जगह आपको ये सारे ब्रैकेट्स में जो भी वर्ड्स दिए हैं वो ऐड करते जाना है और सेम स्पेलिंग्स आपको लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन आप देख सकते हो, इफ़ आई वेर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो फर्स्ट वन में टॉलर लिया है। ओके, इफ़ आई वेर ओनली अ टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 41, इफ आई वेर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर कुड बी, थर्ड वन इफ आई वेर ओनली अ स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर कुड बी, फोर्थ वन इफ आई वेर ओनली क्लेवर हाउ मच हैप्पियर कुड बी, फिफ्थ इफ आई वेर ओनली अ यंगर हाउ मच हैप्पियर कुड बी, सिक्स्थ इफ आई वेर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर कुड बी। ओके, द सेम वे यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग, आपको ये रीड करके यहाँ पे नीचे आंसर्स फिलअप करने हैं, एनसीक्यूज जो दिए हैं वो। महेश सिंग्स अ लिटल सॉन्ग, वेंकटेश लुक एट हिम, व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स, महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट वन महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग, इट्स अ लिटल सॉन्ग, सेकेंड वेंकटेश दैट एट हिम आंसर लुक्स, थर्ड वेंकटेश थिंक्स महेश इज अ डैश क्राइंग और लाफिंग, आंसर इज क्राइंग,
नेक्स्ट फोर्थ, महेश इज अ डैश अ सॉन्ग, महेश इज अ सिंगिंग सॉन्ग. फिफ्थ, द सॉन्ग इज इन डैश तेलुगु और इंग्लिश, आंसर इज इंग्लिश. ओके, नाउ कम टू द वर्कबुक एक्सरसाइज. ओके, इन वर्कबुक पेज नंबर 32 MCQs. First one is your MCQs. Okay. How many fish are there in a sea? Answer is millions. Second, the little fish was unhappy. Third, the little fish was unhappy because he was very small. Fourth, the little fish thought that if he would be a larger, he would be a happier. Fifth, the little fish believed that if he were dash, he would be happier. The little fish believed that if he were larger, he would be a happier. So answer is larger, C1. Sixth, what is a group of fish called? Answer, school. Seventh, what happened to the fish? Answer, they were caught in a net. Last, eighth one, the little fish dash thought the net and the slipped back into the water. Answer is wrinkled. Okay, now next. Fill in the blanks. Exercise number third, fill in the blanks. आपको यहाँ पे answers दिए गए हैं bracket में, school, net, unhappy, smallest, larger, small. Okay, so first one, the little fish was unhappy. Second, the little fish was unhappy because he was very small. Third, the little fish thought that he would be a happier if he were larger. Fourth, a group of fish is called a school. Fifth, the fish were caught in a net. Sixth, the smallest fish wrinkled through the net and the slipped back into the water. Okay, now turn your page number 33. True or false? First one, the little fish was unhappy. Answer is false. Second, the little fish was unhappy because he was very small. Answer, true. Third, the little fish thought that he would be a happier if he was smaller. Answer, false. Fourth, the little fish were caught in a net. Answer, true. Fifth, the little fish wrinkled through the net and saved himself. Answer, true. Okay, now next, rhyming words. You have to write three rhyming words. First one is hall. So you have to write hell, hill, hull. Okay, next, stool. Answer is tool, wool, skull. Third, stink, skin, spink and swing. Fourth, taste, best, rest, nest. Fifth, strife, life, wife and rife. Okay, now next, exercise number 6 is your homework. You have to write by yourself. आपको सिर्फ देख के उनके नाम mention करने हैं. Bracket में भी names दिए गए हैं. Okay? Now turn your page number 34. Exercise number 7. Fill in the blanks with the correct form of word in the simple present tense. Simple present tense में most of student कौन से word use होते हैं, तो वो है ES, IES and S. ये तीन ज़्यादा यूज़ होते हैं सारे वर्ड के पीछे. ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रीटा डैश टू द मार्केट. आपको क्वेश्चन में दिया, आंसर में दिया है गो, तो आप क्या लिखोगे, रीटा गोज टू द मार्केट. ओके, द सेम वे यू हैव टू डू दिस 10 सेंटेंस. ओके, फर्स्ट वन इज मेहुल डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड. आंसर इज, आपको ब्रैकेट में दिया है राइट, तो आप क्या लिखोगे, राइट्स, पीछे एस लगाना है सिर्फ आपको. सेकंड है किरण डैश स्कूल एट 10 o'clock. ब्रैकेट में आपको रिच दिया है, आप क्या लिखोगे, रिचेस, किरण रिचेस स्कूल एट 10 o'clock. थर्ड वन है वी डैश इन द गार्डन.
वॉक, तो वॉक का क्या आएगा, एज इट इज सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉक, वी वॉक इन दी गार्डन, वॉक लगा दोगे तो वो पास्ट टेंस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट द बॉय द बॉयज डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, ब्रैकेट में आपको दिया है प्ले, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्ले एज इट इज द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. फिफ्थ वन है आई डैश टू वॉच टीवी, आंसर है लाइक, आप भी यहाँ पे लिखोगे लाइक, ब्रैकेट में जो है सेम आपको भी लाइक लिखना है. सिक्स्थ है अमर डैश इज होमवर्क, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है फिनिश, आप क्या लिखोगे फिनिश. ओके, फिनिशेस, अमर फिनिशेस इज होमवर्क. ओके, सेवेंथ वन इज यू डैश योर फ्रेंड, ब्रैकेट में दिया है हेल्प, आप क्या लिखोगे हेल्प्स, यू हेल्प्स योर फ्रेंड. एट है नितिन डैश हिज पेरेंट्स, ब्रैकेट में दिया है लव, तो आप क्या लिखोगे नितिन लव्स हिज पेरेंट्स, जस्ट यू हैव टू पुट अ एस. नाइन्थ वी रीड स्टोरी बुक, ब्रैकेट में रीड था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रीड, सिर्फ आपको एस लगाना है. टेंथ है मिसेस दवे डैश हिज स्नैक्स, ब्रैकेट में दिया है टीच, तो आप क्या लिखोगे मिसेस दवे टीचर्स मैक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे पास्ट टेंस है तो आप क्या लगा सकते हो ईडी. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, द चिल्ड्रन डैश देयर हैंड्स, द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स, ब्रैकेट में है सिर्फ क्लैप, तो आप क्या लगाओगे ईडी. सेकेंड ग्रैंडफादर डैश इन द गार्डन, ग्रैंडफादर वॉक्ड इन द गार्डन, यहाँ पे वॉक है आपको ईडी लगाना है. नेक्स्ट गीता डैश टू कैच दी बस रन, तो आप क्या लिखोगे रन, गीता रन टू कैच दी बस. फोर्थ है टीना डैश मी हर पेन, ब्रैकेट में है गिव, तो आप क्या लिखोगे गिव, टीना गिव मी हर पेन. फिफ्थ है माला डैश अ पोएम, ब्रैकेट में यह है राइट, आप क्या लिखोगे रोट, माला रोट अ पोएम. सिक्स वी डैश अवर क्लासरूम, यहाँ पे ब्रैकेट में है क्लीन, तो आप क्या लिखोगे वी क्लीन्ड अवर क्लासरूम. सेवेंथ वन इज यू डैश एन एप्पल, आंसर है ईट, तो आप क्या लिखोगे एट, यू एट एन एप्पल. एट वन दे डैश द विंडोज, ब्रैकेट में है क्लोज, तो आप क्या लिखोगे क्लोज्ड. नाइन्थ आई डैश एन एलिफेंट इन दी जू, सी है तो आप क्या लिखोगे सॉ. टेंथ रामू डैश द प्लांट्स वाटर, तो आप क्या लिखोगे वाटर्ड, रामू वाटर द प्लांट्स. ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 35, एक्सरसाइज नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट वन इज अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो आप लिखोगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सेकेंड अन आर्मी ऑफ अ सोल्जर्स, आप लिखोगे अ पिलो अ आर्मी ऑफ अ सोल्जर्स. थर्ड वन अ डैश ऑफ अ बुक्स, आप लिखोगे अ पिलो ऑफ अ बुक्स. फोर्थ अ डैश ऑफ अ म्यूजिशियन, आप लिखोगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. अ डैश ऑफ अ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सिक्स्थ अ डैश ऑफ अ वुल्स, आंसर अ पैक ऑफ वुल्स. सेवेंथ अ डैश ऑफ अ काउस, अ हेड्स ऑफ काउस. एट अ डैश ऑफ अ ग्रेप्स, a bunch of grapes. Ninth, a dash of a people, a crowd of a people. Tenth, a dash of a bees, a swarm of a bees. Eleventh, a dash of a thieves, a gang of thieves. Okay, next, tenth one. Now, what you have to do, student? जो सबसे बड़ा है उसके पीछे est होता है, यानी tallest. उससे थोड़ा छोटा हो उसे हम टॉलर कहते हैं, और मीडियम हो उसे हम क्या कहेंगे टॉल. ओके, सो फर्स्ट वन इज टॉलेस्ट, सेकेंड टॉल, थर्ड टॉलर. सेकेंड वन इज लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग. शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट. स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉल. Biggest, big, bigger. Fattest, fat, fatter. Thinnest, thin, thinner. Light, lightest, lighter. Faster, fastest, fast.
heaviest, heavy, heavier. Okay, now number 11th, write the words as shown in the example. Now what you have to do students, weaker, weaker and weakest ho gaya, yani er and est lagana hai bas aapko. So first one is costly, to aap likhoge cost, costliest. Okay, then hai cheap, to cheaper, cheapest. Cold, colder, coldest. Hot, hotter, hottest. Sad, sadder, saddest. Happy, happier, happiest. Dirty, dirtier, dirtiest. Clean, cleaner, cleanest. New, newer, newest. Old, older, oldest. Hard, harder, hardest. Soft, softer, softest. Okay? So, that's it. आपको इतना वर्क आपके बुक में कंप्लीट करना है और हमारा जो बाकी है वो है मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट, टिल दैट टाइम कंप्लीट योर वर्क.